आज तारीख है 11 मार्च 2024। हजरत उलमाए इकराम वक्फ बोर्ड की छत पर पहुंचकर चांद देखने की कोशिश की, लेकिन यहां चूंकि बेंगलोर में अबर आलूद है इस वजह से यहां चांद नजर नहीं आया। अलबत्ता बागेपल्ली है, मैसूर है, मंडिया है, रायचूर है, हमारी रियासत में यहां से बिल्कुल मोतबर इत्तिलात मिली हैं कि रुयत आम हुई है। और इसके अलावा आंध्रा से भी इत्तिलात मिली हैं, तमिलनाडु के खाजी साहब से भी बात हुई तो वहाँ भी रुयत हुई है, उस पर फैसला लिया, और हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रुयत आम हुई है। इस वजह से हजरत उलमाए इकराम से मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया कि चांद हमारी रियासत में और हमारे मुल्क में नजर आया है, इंशाअल्लाह आज से तरावी का इहतमाम किया जाएगा और उम्मत मुस्लिमा कल से रोजे का इहतमाम करेगी। रमजानुल मुबारक की आमद आमद हुई है, इस पर मैं सबकी जानिब से सबकी खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस रमजान को पूरे इहतमाम के साथ और पूरी यानी तवज्जो के साथ मनाने की कोशिश करेंगे, रोजों का इहतमाम करेंगे, झूठ से अपने आप को बचाएंगे, गलत कामों से अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल पूरी रियासत के लिए ये चांद हमारे लिए अमन अमान का बाइस बने।